Hi, ma'am. Would you like to order something? Coffee? For you? थैंक यू बोल रही है वो बोल रही है क्या यार जुजू हर साल में मेरे बर्थडे में सेम टू सेम ही कपकेक लाता है अरे निकरा तू भी उसको बोल कि हर साल मैं सेम वाइफ का ही बर्थडे मनाता हूँ ना मैं तो बोर नहीं होता हूँ चलिए अब सबको केक खिलाइए पहले आप थैंक यू अंकल वैसे वो ये भी बोल रही है कि सुरजोत आहुजा की छोकरी होके सुरीली गाना क्यों नहीं गाती है मेरा बर्थडे का सॉन्ग भी औरों से गवाया क्योंकि वो ललित बैनर्जी की भी तो बेटी है ना पूरा दिन बेकिंग में बिजी रहती है बहुत याद आ रही है तुम्हारी आंटी की आप बैठ दिख रहा तेरी उम्र की होगी जब उसको पहली बार इसी कैफे में मैंने देखा था तू इधर मत देख उधर देख ऐसे ही उसका फेस पे भी सनलाइट गिर रहा था मेरा तो सांस रुक गया उसे देखकर कभी लड़की छेड़ी नहीं फिर भी उसको देखकर उफ निकल गया और फिर ऐसे बड़ी बड़ी आंखें निकाल के उसने देखा तब से लेकर आज तक तेरा अंकल इसी चेयर पे बैठा रह गया ऐसा ही लगता है कि अभी भी वो यहीं बैठ के मुझको देख रही है पर दिखती नहीं है दिखती नहीं है वो यही है अंकल और पता है क्या कह रही है कि मेरे बुड्ढे को जाकर एक जादू की झप्पी देना और ये भी कहा कि आज उनका हैप्पी वाला बर्थडे है तो आपको खुश रहना है बट दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू अंकल आप हर साल बाय डिफॉल्ट यहाँ आकर आंटी का बर्थडे मनाते हैं ओल्ड एज में जब अपना पार्टनर चला जाए तो उसे अपनी मेमोरी में ही जिंदा रखना पड़ता है तुम्हारी माँ ने इसी कैफे में हमारी मैचमेकिंग की थी तब से लेकर अब तक तेरी कैफे की जो खुशबू है ना वो मुझे मेरी परिनाश की और मेरे प्यार की खुशबू लगती है और मेरा बेटा अपने ही पापा से उसी की मम्मा की प्यार की खुशबू छीनना चाहता है पन कल रात को तुम्हारी आंटी मेरे सपने में आई थी तेरा कैफे और मेमोरीज बचाने के वास्ते उसने एक आइडिया दिया है मुझे तू भरोसा रख मैं उस नालायक परवेज नरीमन से बचा लूंगा तेरे कैफे को
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.